ना फटेगी ना ही ऑयल एब्जॉर्ब करेगी और हर एक गुदिया मस्त क्रिस्पी बाजार वाली जैसे बनके तैयार होगी। होली के त्योहार पे आप चाहे कितने भी पकवान बना लो, बट बिना गुजिया के होली त्योहार अधूरा सा लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इजी रेसिपी जिसमें ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे ना ही मावा का, फिर भी हमारी गुजिया जो है 100% परफेक्ट क्रिस्पी एकदम टेस्टी और मजेदार बनके तैयार होगी। और आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये गारंटी गुजिया बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, ये वैसी के वैसी क्रिस्पी और खस्ता रहेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून कैश्यू एंड आलमंड घी में भून के दरदरा सा पीस लेना है। फिर उसी पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल के आधा कप बारीक सूजी डाल के गोल्डन ब्राउन तक भून लेना है। फिर इसमें पीसे हुए कैश्यू आलमंड, 1/4 कप सूखा नारियल, 2 टेबलस्पून कटी हुई किशमिश, 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 1/2 कप चीनी डाल के 30 सेकंड रोस्ट करेंगे। फिर लास्ट में डालेंगे 1/4 कप मलाई और इसको फिर 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसे अच्छे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। मलाई टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। डो प्रिपेयर करने के लिए 1 परात में 1 कप आटा और 1 टेबलस्पून घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें 1/4 कप से ज़्यादा तकरीबन 100 ml पानी डाल के मिक्स करते हुए एक सख्त डो प्रिपेयर कर लेना है और फिर इसे 10 मिनट तक ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। डो रेस्ट हुए 10 मिनट हो गया है और हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। तो आप डो के छोटे छोटे पेड़े काट के इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। पूरियों की थिकनेस आपको जो एज नॉर्मल पूरी बनाते हैं उसके थोड़ी ज़्यादा रखनी है। फिर एक एक पूरी के किनारों में पानी या आटा का लेप लगाएंगे और थोड़ा सा स्टफिंग डाल के फोल्ड करके अच्छे से अपनी उंगलियों से प्रेस करते हुए सील करेंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि कांटे वाली चम्मच की मदद से या फिर अपने हाथों से कुछ इस तरह से। अगर आप बिगनर हो तो कोई भी सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुजिया को शेप देते समय जब आप गुजिया बना रहे हो तो उसको एक एक करके कॉटन के कपड़े से ढक के रखें ताकि फ्राई करने से पहले इसकी ऊपरी सतह सूख न जाए। गुजिया फ्राई करने के लिए एक डीप कढ़ाई में कुकिंग या रिफाइन ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे, पहले हाई फ्लेम पे, फिर फ्लेम को हम धीमी आंच पे कर देंगे। फिर एक एक करके गुजिया उसमें डालेंगे। एक बार में आप उतना ही गुजिया डालें जो अच्छे से तेल में डूब सके, ओवरलोड ना करें, एक के ऊपर एक ना डालें। फिर लो फ्लेम पे हमें गुजियों को कम से कम 5 मिनट तक पलटते पलटते हुए फ्राई करना है और फिर इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। गुजिया हमारा ठंडा हो गया है, आइए मैं सर्व करके दिखाती हूँ। इसके अपीयरेंस या लुक से कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि ये आटे का बना है और ये इतना खस्ता कुरकुरा सा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए स्टफिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। आप भी इस होली पे ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।